और आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोज़, लेकिन मैं ख़ुद इतनी प्रो नहीं हूँ, बस ऐसे ही मुझे मेरी हॉबी है समझें। जब भी मैं थोड़ी सी सैड होती हूँ या फिर फ्री होती हूँ तो फिर मैं पेंटिंग कर लेती हूँ। आई लाइक सो मैनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग माई पेंटिंग्स एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं इतनी अच्छी पेंटर नहीं हूँ, लेकिन आई विल ट्राई टू शेयर जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि मुझे ख़ुद भी ज़्यादा नहीं पता। ओके, सो व्हेन आई वाज 13 इयर्स ओल्ड आई यूज़ टू वर्क एज अ रीसेलर। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग आया नहीं था उस वक्त, बिल्कुल नया नया था, केमू करके कुछ था। सो या जॉब नहीं करती थी। वेट कैसे कम करा आपने? आई वॉज़ लिटरली ऑन 50 kgs और मेरा एकदम से 10 kgs लूज़ हो गया। मैं 40 पे आ गई, फिर 39 पे आई, फिर 38 पे आई। इट वॉज़ ऑल ड्यू टू डिप्रेशन, एनजाइटी एंड अ फेज आई वॉज गोइंग थ्रू। आई एम डेफिनेटली प्लानिंग टू मेक सच वीडियोज़, लेकिन लोग इतना देखना पसंद नहीं करते तो इसलिए नो मोटिवेशन भी नहीं आती। बट सिंस सो मेनी ऑफ यू वॉन्टेड मी टू मेक वीडियोज़ लाइक दिस, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मेरे दो भाई हैं, मेरी कोई बहन नहीं है और दोनों भाई मुझसे छोटे हैं। ये कैसा क्वेश्चन है? आई एम नॉट अ हिजाबी बट आई लाइक टू डू हिजाब बिकॉज ऑफ माई कम्फर्ट जोन। हर वक्त मैं हिजाब नहीं करती, कभी कभी बाहर जाती हूँ, कभी कभी शादी में जाती हूँ तो नहीं करती, लेकिन या मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम डूइंग हिजाब। जो भी फ़िल्टर यूज़ करती हूँ वो यहाँ पे मेंशन होता है, तो यहाँ आप क्लिक कर लें और आपको वो फ़िल्टर मिल जाएगा, उसको सेव कर लें, यूज़ कर लें, सिंपल। लिटरली ऑब्सेस्ड हैं यार शादी से। मैंने कभी भी जॉब नहीं की और अल्लाह ना करे मुझे जॉब करने पड़े, क्योंकि मुझे जॉब नहीं पसंद करना। जो मैं कर रही हूँ मुझे वही अच्छा लगता है, या फिर आई वॉन्ट टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट। शादी करूँगी, जॉब नहीं। आई वॉज फास्टेस्ट एथलीट ऑफ माई स्कूल और फिर उसके बाद मैंने कराची गेम्स में पार्ट लिया, तो आई बिकेम फास्टेस्ट एथलीट ऑफ कराची क्योंकि मैं जीत गई थी। फिर उसके बाद मैंने रनिंग छोड़ दी, मैंने बिल्कुल रनिंग छोड़ दी थी, और उसके बाद मैंने वॉलीबॉल स्टार्ट की। मैं स्कूल में वॉलीबॉल खेलती थी और फिर उसके बाद नेशनल्स की सिलेक्शन आई तो मैं वहाँ गई, मेरी सिलेक्शन हो गई वॉलीबॉल की बिकॉज आई यूज़ टू प्ले गुड वॉलीबॉल, और फिर मैंने नेशनल्स खेले। फिर उसके बाद मुझे ट्रैवल करना पड़ता था, मैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद गई हूँ। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया बिकॉज फिर पढ़ाई, बिजनेस, स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैरिज नहीं कर पा रही थी मैं। जब ये मेरे पास आया था तो ये 3 months का था, अभी ये आई थिंक 5.5 months का है। और इसको क्या देती हूँ, इसको पहले मैं खुद इसकी फीड होती थी ना, वो बना के इसको देती थी, और अब ये सेल्फ फीड पे मतलब खुद ही खा लेता है ना डीटू।